देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन ईवीएम का बवाल नहीं खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र का एक अखबार है मिड डे, इसने एक खबर लिखी, और दूसरी तरफ एलन मस्क हैं, जो अमेरिकी टेक्नोक्रेट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये लिख दिया ट्विटर पे कि भाई जो वोटिंग सिस्टम है, जो पूरा मतदान सिस्टम है, इससे जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हटा देना चाहिए, ट्विटर पे लिखा एलन मस्क ने। दूसरी तरफ मुंबई के एक अखबार ने यह लिखा, शिंदे गुट के एक उम्मीदवार जो उस दिन 48 वोटों से एमपी बन गए नॉर्थ मुंबई में, वहां पर जो है उनका एक आदमी मोबाइल लेकर के ईवीएम सेंटर में था जहां काउंटिंग हो रही थी, और ईवीएम कैसे खुला तो उसी आदमी के मोबाइल पर ओटीपी आया और उसके बाद ईवीएम खुला। एक अखबार ने यह लिख दिया। अब लोकतंत्र की समस्या यह है कि लिखने बोलने पर कोई आपत्ति नहीं है, आदमी कहीं कुछ भी लिख देता है और फिर यह जंगल की आग की तरह फैल जाती है। मुंबई के अखबार ने मिड डे ने यह लिखा, उसमें कहा कि मंगेश पडनीकर नाम का आदमी जो उस दिन काउंटिंग सेंटर के अंदर था, उसके मोबाइल पर ओटीपी आता है, ओटीपी से वो ईवीएम खुलता है, और ईवीएम खुलने के बाद ये जो आदमी थे जो नॉर्थ वेस्ट लोकसभा, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा कैंडिडेट थे, शिंदे गुट के रविंद्र वाइकर, वो 48 वोटों से संसद बन जाते हैं, और दुनिया में हाहाकार मच जाता कि अरे ये तो खबर कंफर्म हो गई। एक तरफ मुंबई के अखबार ने पूरी रिपोर्ट लिख दी, दूसरी तरफ एलन मस्क जैसा बड़ा टेक्नोक्रेट ये कह रहा है कि पूरा का पूरा जो वोटिंग सिस्टम है, इससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा देना चाहिए। अब जब मिड डे से लेकर एलन मस्क ने सब लिख दिया, तो राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर लिखा और उसी अखबार की कटिंग के साथ एलन मस्क को रिप्लाई कर दिया कि क्या ये तो ब्लैक बॉक्स है, जो ईवीएम है वो ब्लैक बॉक्स है और लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके मैसेज का लब्बो लुआब यही है। भारत सरकार की तरफ से कह लीजिए या बीजेपी के एक नेता, उन्होंने लिखा, राजीव चंद्रशेखर ने यह कहा कि भाई अगर एलन मस्क को यह लगता है कि एआई या डिवाइस के जरिए हैक किया जा सकता है ईवीएम्स को, तो उन्होंने पूरा प्रोसेस समझा दिया एलन मस्क को कि भाई आपके यहां का ईवीएम कैसा है, वो तो इंटरनेट वाईफाई या ब्लूटूथ से जुड़ा है नहीं जुड़ा वो आप देख लो, हमारे यहां का जो सिस्टम है वो हम कस्टमाइज करते हैं, हमारी कंपनियों में बनता है और उसको सिक्योर करते हैं, आइसोलेट करते हैं, उसमें कोई ब्लूटूथ नहीं होता, कोई वाईफाई नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, नो कनेक्टिविटी होती है, उसको किसी भी तरह से बाहर से प्रभावित नहीं किया जा सकता, हमारे ईवीएम फुल प्रूफ है, और यह कहानी पूरा ट्विटर पर चल रहा था। लेकिन इस सब में एक संकट है दोस्तों, संकट यह है कि जो देश जहां पर वोट 60 करोड़ 70 करोड़ लोग जाकर के ईवीएम के जरिए वोट कर देते हैं, देश में नई सरकार बन के आ जाती है और ऐसे चुनाव नतीजे आते हैं जिसमें सब खुश हैं, सरकार जिनकी बननी थी उनकी सरकार बन गई, विपक्ष वालों को भी लग रहा है कि वो लोग भी बहुत अच्छा किए, वो लोग भी जीत गए, उसी ईवीएम पर फिर से सवाल उठ रहा है और इस सब के बीच पिसता है देश का चुनाव आयोग। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग ऐसे कोई पनवाड़ी का दुकान है जिसको जाके कोई भी कुछ भी बोल देता है और वो पनवाड़ी सुनता रहता है? देश के चुनाव आयोग की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है, क्योंकि जब जिस नेता को लगता है, पॉलिटिकल पार्टी को लगता है, हमारे पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है और इस पूरी कहानी में इलेक्शन कमीशन को बार बार आके जनता के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, जबकि ये पूरी कहानी है कि भाई इतने सारे लोगों ने वोट किया, इतने बड़े देश में पूरा का पूरा इलेक्शन, छुटपुट घटनाओं को अगर बंगाल को आपने हटा दीजिएगा, पूरा इलेक्शन हमारे देश में बहुत संपूर्णता से और शांतिपूर्वक इस देश के इलेक्शन कमीशन ने निपटवा दिया। जिस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए वहाँ तारीफ ना होकर एक प्रोसेस को लेकर बार बार सवाल उठाया जाता है, बावजूद इसके देश में चुनाव नतीजे आ चुके हैं। मैंने आपसे बताया कि झूठ के पांव नहीं होते हैं और झूठ बहुत तेजी से पसरता है, फिर आप सच बोलते रहिए, कहते रहिए, किसी को कोई शायद फर्क इससे नहीं पड़ता या पड़ता मुझे नहीं पता, लेकिन झूठ जिस तेजी से इस लोकतांत्रिक देश में फैल रहा है, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए यह ठीक नहीं है। जैसे देश के लिए संसद जरूरी है, जैसे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूरी है, उसी तरह से इस देश की एक और संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग को जानबूझकर इस देश का एक पॉलिटिकल वर्ग
वर्ग लगातार निशाने पर ले रहा है। राहुल गांधी ने एलन मस्क को रिप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया भाई? एलन मस्क जब कुछ कहते हैं, दुनिया के बड़े टेक्नोक्रेट हैं, कहते हैं जी टेक्नोलॉजी में उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, एआई कंपनी भी चलाते हैं, तो जब उन्होंने कहा तो ये गंभीर बात है निश्चित तौर पर, क्योंकि एलन मस्क जैसा आदमी कहता है तो फिर लगता है यार अगर एलन मस्क कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि हाँ हाँ जी ये तो ब्लैक बॉक्स हो गया है जो ईवीएम है, उन्होंने ब्लैक बॉक्स कोट अनकोट किया राहुल गांधी ने। और ईवीएम पर उसके बाद जवाब राजीव चंद्रशेखर ने दिया, मिड डे की कहानी मैंने आपको बता दी, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ गई। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी को ये समझना चाहिए था जिस ईवीएम को वो ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं उसी ईवीएम से राहुल गांधी रायबरेली में 3,90,000 और अपने दूसरे लोकसभा क्षेत्र वायनाड में 3,64,000 वोटों से जीत कर आए। अब सवाल है कि जीता हुआ उम्मीदवार जो दो दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे थे राहुल जी, और दोनों ही सीटों पर क्या नतीजे हैं, बावजूद इसके उसी प्रोसेस से चुनकर आने वाला सांसद जब उस प्रोसेस पर सवाल उठाता है तो फिर ये बहुत गलत मैसेज आता है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कि आप इसी सिस्टम से चुनकर आ रहे हैं और आप उसी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर इसके दो मायने। अगर भाई आपको जिस सिस्टम पर यकीन नहीं है, फिर आप इसी सिस्टम के जरिए आपको नहीं पता था कि वोटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी है, तो इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिनको बार बार ईवीएम से दिक्कत हो जाती है चुनाव हारने या जीतने को लेकर, तो फिर उनको तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस का ही बहिष्कार कर देना चाहिए। और बहिष्कार इस लेवल पर होना चाहिए दोस्तों कि भाई आप जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे हम लोग नहीं लड़ेंगे, यही तो होगा ना, और क्या रास्ता होगा? कि ऐसा कैसे होगा आप लोग उसी सिस्टम से चुनकर देश की संसद में भी पहुंच जाते हो और उसी सिस्टम को निशाना बनाते हुए बार बार इस देश की एक संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग पर निशाना साधते हो, क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? और इस देश की संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग को कब ये समझ में आएगा कि जितनी जिम्मेवारी इस देश के सुप्रीम कोर्ट की है, जितनी जिम्मेवारी इस देश की संसद की है, उतने ही जिम्मेवार और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए वो लोग भी हैं जो इस देश के चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं, वो उनको ये गंभीरता कब से समझ आएगी जब कोई भी आकर के उनके बारे में कुछ भी बोल करके चला जाता है। मैंने आपको बताया कि जिस प्रोसेस पर रिसर्च होना चाहिए दुनिया भर में कि एक देश जिसकी 100 करोड़ 150 करोड़ आबादी है वो देश कैसे शांतिपूर्वक 70 करोड़ 65 करोड़ लोगों से वोट डलवा लेता है, ये प्रोसेस पर जहां रिसर्च होनी चाहिए उस पूरे प्रोसेस को कुछ लोग जानबूझकर निशाना बनाते हैं और बावजूद उसी सिस्टम से चुनकर के देश के संसद में बैठे हुए हैं। तो इस देश के इलेक्शन कमीशन को कुछ टफ रवैया अपनाना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्या आपके पास कुछ ऐसी ताकत है कि आप एक्शन लें? वो एक्शन दिखना चाहिए, और नहीं तो फिर ये सवाल जब बार बार उठते हैं तो मतदाता के बीच एक गलत मैसेज जाता है। वो गलत मैसेज क्या चुनाव आयोग जाने देने रहने देना चाहता है? क्या इस डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक है? अब अगली कहानी पर आइए, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम और अपोजिशन पार्टीज, ये कहानी कोई आज की नहीं है। ये कहानी 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में आए और उसके बाद वो टेन्योर कंप्लीट होता, 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव के आसपास भी ये कहानी शुरू हो गई कि ईवीएम हैक हो जाएगा। एक बार दिल्ली विधानसभा में किन्हों मंत्री जी ने या विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा जी ईवीएम तो हैक हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा मई 2017 में एक हैकाथॉन आयोजन किया और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप आइए और हमारे जो सेंटर्स हैं वहां पर जाइए, कम से कम 4 ईवीएम जहां भी मन करे जो भी दिल्ली के सेंटर से उठाइए, ये और ये वो ईवीएम से जो उस समय के होने वाले विधानसभा चुनावों में जाने वाले थे। बाकायदा कहा चुनाव आयोग ने कि इसमें से 4-4 जो चाहिए रैंडमली उठा लीजिए और हमें हैक करके बता दीजिए। एक डेट फिक्स कर दी गई, समय फिक्स कर दिया गया कि 3 से 4 लोगों की टीम बनाइए, उनके नाम हमें भेज दीजिए और उन लोगों को भेज दीजिए कि भाई हमें भी बता दें कि ये ईवीएम हैक कैसे होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लोगों को वहां पर नहीं भेजा। बावजूद इसके इस देश में जब भी चुनाव होते हैं कोई ना कोई ईवीएम का राग लेकर के आ जाता है। आज मिड डे ने कुछ लिखा और मिड डे पर आप समझो कि कहीं कोई अखबार लिख देता है, कोई मैगजीन लिख देता है, एक पूरे प्रोसेस पर तो सवाल उठा दिया, वो अखबार माफी मांगेगा नहीं मांगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मिड डे की कहानी पर
पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस सवालों के घेरे में आया और उस दिन जो रिटर्निंग ऑफिसर थी उस मतदान केंद्र पर, उस रिटर्निंग ऑफिसर को सामने आकर के बयान देना पड़ा, वो बयान सुन लीजिए। ओटीपी ऑन मोबाइल फोन दैट फॉर अनलॉकिंग ईवीएम एज इट इज अ नॉन प्रोग्रामेबल डिवाइस एंड इट हैज नो वायरलेस, इट हैज नो वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन, इट इज कंप्लीट लाई बीइंग स्प्रेड बाय दिस न्यूज़पेपर। तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ये जो बता रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख हैं उनसे लेकर तमाम बड़े बड़े लोग ये बता चुके हैं कि भारत के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस में ईवीएम हिस्सा लेती है या जो उस प्रोसेस का हिस्सा है वो किसी नेटवर्क, वाईफाई, इंटरनेट, ब्लूटूथ से जुड़ा ही नहीं होता, और जुड़ा ही छोड़िए, एक बार यूज करने के बाद जो फैक्ट्री में प्रोग्रामिंग उसकी होती है उसको रीप्रोग्राम भी नहीं कर सकते। बावजूद इसके ये ओटीपी वाला भ्रम फैलाया गया और अब रिटर्निंग ऑफिसर ने आके बता दिया कि भाई किसी भी ईवीएम को खोलने के लिए कोई ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ना कोई ब्लूटूथ है, ना वाईफाई है, कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, तो ओटीपी क्यों होगा। बावजूद इसके उस अखबार ने लिखा और एलन मस्क का ट्वीट आया और देश के तमाम नेताओं ने अपने ही प्रोसेस पर, जिस प्रोसेस से चुनकर वो खुद भी आए, उसी प्रोसेस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पीछे आप देख रहे हो एलन मस्क हैं और ये राहुल गांधी हैं, दोनों ही ट्वीट्स हैं आपके सामने। मैं आपको एक चीज पहले, आप भी समझते होंगे, एक सामान्य सी चीज है, तो आप जब एलन मस्क का नाम ध्यान में आता है तो हम आप सब लोग सोचते हैं कि एलन मस्क एक टेक्नोक्रेट आदमी, टेक्नोलॉजी को समझने वाले आदमी, भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझने वाले आदमी। लेकिन एलन मस्क का एक और भी रूप है, एलन मस्क एक रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन यानी ट्रंप सपोर्टर है अमेरिका के अंदर। जब लास्ट चुनाव ट्रंप हारे थे तो उस चुनाव के दौरान दुनिया भर के जो रिपब्लिकन सपोर्टर थे, जिन लोगों ने ट्रंप को, रिपब्लिकन पार्टी को फंड किया था, उसमें सबसे पहला नाम था एलन मस्क का। तो ट्रंप जब चुनाव हारते हैं तो पूरा का पूरा जो वहां रिपब्लिकन खेमा था, जो राइट विंगर्स थे दुनिया भर में, उन्होंने कहा कि अरे अरे अमेरिका में भी देखो ये इलेक्शन रिग्ड हो गया, मतलब जो हमारे यहां भी अभी चुनाव नतीजे आने से पहले लोग कह रहे थे, मतलब कि चोरी हो गई, इलेक्शन में लूट हो गया, बेईमानी हो गई, मतलब। और यही कहानी होता है भाई, ये पूरा जो इस देश में ईवीएम का सिस्टम है वो यही है कि इस देश में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्ति जब हार जाता है तो वो ये कहने लगता है कि इलेक्शन में चोरी हो गई, इलेक्शन रिग्ड है। ऐसा बीजेपी के भी नेताओं ने किया है, 2009 में जब लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ी तो ये सबसे पहला कहानी जो ईवीएम का उठाया था, जीवीएल नरसिम्हा ने अपनी किताब में ईवीएम को लेकर कुछ सवाल पूछे थे और तब से ये रवायत चलती आ रही है। हर बार हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट ईवीएम पर सवाल उठा देता है और हर बार ऐसे ही चुनाव आयोग को आकर के सफाई देनी पड़ती है। मेरा ये मानना है या देश के लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों पर या इस तरह की चीजों पर एक सख्त एक्शन जरूर ले ताकि एक नजीर बने कि भाई आप ऐसे ही आके देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं आप आकर के सीधे ही उनको सवालों के घेरे में नहीं खड़ा कर सकते।